प्रथम लागु दो चरण को धनी ए न छुड़ायो शी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन इन पाऊ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलन वाड़ू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन ले सब सबन पे करशी कजा अदल पीस्त देसी सचराचर कर साप सबन के दिल कर साफ सबन के दिल जो साहेब किना देखिया नहीं धामधनी अक्षरातीत हमारी प्राण के प्रीतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस किरंतन ग्रंथ 96 प्रकरण की चौपाई के माध्यम से सिर्फ हम सब सुंदर साथ को नहीं पूरे संसार को एक संदेश देने जा रहे हैं अभी इस चौपाई के माध्यम से। वैसे तो 400 साल से ये ब्रह्मवाणी पुकार कर रही है, लेकिन अभी तक जो प्रचार प्रसार होना चाहिए इस संसार में ये धामधनी के हुक्म से अभी नहीं फैल चुकी है। लेकिन ये वाणी की चौपाई तो कहती है कि वाणी गर्जत माज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मुड मती न जाने विचार महामती कहे पुकार पुकार सुख शीतल करु संसार। तो ये पूरी वाणी रात से लेकर क्यामत तक रात से लेकर क्यामत नामा तक की पूरी वाणी हमारी आत्मा को झंझोड़ रही है, जगा रही है। जो हम मूल बातें सब विस्मृत कर दी है तो ये वाणी हमको जगाने के लिए आई है। ये संसार को जगाने के लिए नहीं, संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आई है। जगाना तो है लेकिन वो सब जीव परमधाम में नहीं पहुंचेंगे। परमधाम में तो सिर्फ परमधाम की 12,000 ब्रह्मात्मा ही पहुंचेगी और 24,000 कुमारिकाओं ने जो हमारे साथ ब्रज और रास में लीलाएं की हो अक्षर धाम परत पहुंचेगी और संसार के संपूर्ण जीवों को इन वाणी के माध्यम से मुक्ति मिलेगी।
जो कि धामदनी ने वाणी में बताया कि तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्याए, कई ब्रह्मांड हुए कई हुए सी, लेकिन किन ब्रह्मांडो नाए। जो ये ब्रह्मांड हमारा ये स्पेशल जो बना है, जिस ब्रह्मांड में हमारा सबका आना हुआ, क्या कारण था ऐसा, हम आगे जानेंगे। और हम आए तो हमसे आगू आए सिराज, ये कल मैंने पूर्व अगली चर्चा में, कल की चर्चा में मैंने बता दिया था। ये चर्चा में ये वर्णन हुआ था कि स्वरूप और रूप क्या है। सटरुति पर के पोते प्रगट बधारिया छो, आडा देवो छो व्रज ने रास, इस चौपाई पे कल की चर्चा हुई थी। उसमें पोते मतलब आप स्वयं, कौन स्वयं, क्या वैकुंठ के विष्णु, क्या अक्षर, क्या यहाँ के चौदह लोक अंतर्गत कोई महापुरुष भगवान, अवतार तीर्थंकर देवी देवता नहीं। छत्रसाल ने बोला था कि मेरे घर कौन आए हैं, ये भी आगे हम स्पष्टीकरण करेंगे कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये मेरे घर पे पधारे हैं। तो सुंदर साची, कल के चर्चा में हमने जो रूप कौन सा है, इन भौतिक नेत्रों से आज आप सब सुंदर साथ बैठे हो, तो इन भौतिक नेत्रों से आप सब की कृति तो मेरे को दिखाई दे रही है इन आकारों से, लेकिन अंदर जो शक्ति बैठी एक स्वरूप सुरता आत्मा के रूप में, इन भौतिक नेत्रों से नहीं दिखाई देता, ये तो आत्म चक्षु से ही दिखाई देगा। तो रूप और स्वरूप, कल हमने इस विषय पे भेद को जाना कि रूप किसको कहते हैं और स्वरूप। आज हम ये परब्रह्म, ये अक्षरातीत, ये सच्चिदानंद, ये पूर्ण ब्रह्म, आज संसार में कई बहुत से शब्दों का इस्तेमाल धर्म ग्रंथों को पढ़कर, कई मत पंथ पैड़े, कई संप्रदाय चल रहे हैं, और सबने अपने आराध्य इष्ट का ध्यान से, सबने अपने आराध्य इष्ट का लक्ष्य तो पर ब्रह्म ही बनाया है, लेकिन उपलब्धि का प्राप्ति का स्थान तो निराकार ही रहा। तो ये कौन आने वाला था इस संसार में, ये भी मैंने कल चौपाई के माध्यम से बताया था कि तभी इंद्रावती ने बोला कि तुम कौन, तम माहे कौन, ये मने पूछवो वाली जी है। तो आज ये कौन आया इस संसार में, यहाँ चौपाई में बताया कि जो साहेब किन देखिया नहीं, न कछु सुनिया कान, सो साहिब इत आउसी करसी कायम सब जहान। जो साहिब किन देखिया नहीं, पहले हम इस चौपाई का पूर्ण भाव समझ ले, कौन ये सच्चिदानंद, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मदस्यते पूर्णस्य पूर्ण माधाय पूर्ण मेवाशिष्यते, ये परब्रह्म पूर्ण है, सब विद पूर्ण है, अपनी लीला परम धाम की संपूर्ण शोभा से वो पूर्ण है। प्लस में प्लस जोड़ो, माइनस में या जो भी करो, सब विद वो पूर्ण है। और हम तारतम में भी बोलते हैं कि वो आए हैं सदा सत सुख के दातार, और इससे अगले भी बोलते हैं कि सब विद वतन सहित, ये सब परमधाम की शोभा लीला या अनंत सुख जो हमने परम धाम में नहीं जाने थे, ये सब लेकर आए हैं बालाजी। तो क्यों आए और किस लिए आए हैं और किस पर ये मेहर ये कृपा हुई है और संसार को इससे क्या फायदा होगा और हम क्या पाया, हमने क्या पाया इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। तो यहाँ पहले चरण में बताया कि जो साहेब किन देखिया नहीं, इन परब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और न कुछ सुनिया कान, जो देखा ही नहीं है, जो देखा ही नहीं है तो कानों से कैसे सुनाई दे। ये ब्रह्मांड में मान लो पहले सृष्टि जब क्रिएट हुई बनी, तब से लेकर जो अवतार आए,
पैगंबर आए, तीर्थंकर आए, उसका इतिहास हिस्ट्री लिखा गया। उसी के बाद संसार में जब प्रचारित हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, तब उसी के बाद रामायण जानने को मिला, महाभारत मिला, गीता मिली, या उपनिषद वेद जो भी ऋषि मुनियों की समाधिस्थ अवस्था में ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा जो भी इस संसार में ज्ञान आया, उसी के बाद इस संसार में सुनने को मिला। यहाँ क्या बताया कि ना कछ सुनिया कान, सो साहेब इत आउसी। आगे सुनिए तो ये चरण क्या कह रहे हैं कि ऐसे कई धर्म ग्रंथों में साक्षियां थी कि ये साहेब इस संसार में आएगे करसी कायम सब जहान। इन 14 लोक ब्रह्मांड के संपूर्ण सचराचर संपूर्ण जीवों को अखंड मुक्ति देंगे अपनी करनी के हिसाब से। आगे युगो युगो से पहले हम जो साहेब किन देखिया नहीं, युगो युगो से ये सृष्टि बनती आ रही है और लय होती रही है और अनादि काल तक ये सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। जब तक हमने पुराणों के माध्यम से सुन रखा है कि जब तक ये महाप्रलय नहीं होगा तब तक ये सृष्टि का कार्य चलता रहेगा। वैसे एक और भेद है कि महाप्रलय में ऐसे अनंत यूनिवर्सल एक साथ लय होते हैं, ये आगे पीछे है, एक साथ नारायण और मोहसागर का विलीन एक साथ होता है जब महाप्रलय होता है। लेकिन तीन प्रकार के प्रलय में ये सृष्टि के समय काल के अनुसार चलता रहता है। तो ये जो ब्रह्मांड, ये यूनिवर्सल, ये जो सृष्टि बनी है हमारी, हम जो देख रहे हैं, ये इस सृष्टि में बने हुए अब तक 1,96,53,116 साल हो गए। तो आज तक कब तक, जब ये वाणी नहीं आई थी तब तक कोई ये जान नहीं पाए कि परम धाम किस दिशा में है, क्योंकि धाम धनी ने सागर ग्रंथ के मंगलाचरण में बता दिया चौथे सागर में कि 14 तबक की दुनी में किन कहिया न एक हरफ, सो हरफ कैसे कहवी सो भाई न बक्का तरफ। और यहाँ के चित ले लो, बुद्धि ले लो, मन ले लो, अंतस्करण इंद्रिया से बताया कि सो आगू चल न सके रहे हवा बीच सुन, कोई आगे जा नहीं पाए। क्यों? तारतम वाणी नहीं आई थी, ये ब्रह्म वाणी नहीं आई थी। तो आगे धामधनी ने बताया कि युगो युगो से जो अभी मैंने पूर्व बोला कि सृष्टि बनती आ रही, लय होती रही और अनादि काल तक ये चक्र चलता रहेगा, जब तक ये लय नहीं होगा, महाप्रलय नहीं होगा तब तक। लेकिन ये ब्रह्मांड में जो धनी का आना हुआ और हम सब ब्रह्मात्माओं का आना हुआ, तो इस ब्रह्म ज्ञान के लिए, हम सब ब्रह्मात्मा के लिए कौन कौन ने, मतलब जो ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतार तपस्वी मनीषी जन कईयों ने खोज की और सब कोई एक परम सत्य जानने के लिए प्रयास करते रहे, और इस संसार में आज जितने भी चेतन प्राणी है सबके अंदर स्वाभाविक रूप से एक इच्छा पैदा होती है, क्या कि ये प्रेम आनंद और शांति ये तीनों चीज कहां पर है? प्रेम
आनंद और शांति ये जानने की इच्छा क्यों पैदा होती है? इसलिए कि ये संसार के अंदर कहीं भी प्रेम आनंद और शांति नहीं है, यहाँ तो असत जड़ और दुखमय संसार में हर कदम पर दुख है, हर कदम पर माया है। और जो चेतना इस अंदर आई है इस शरीर के अंदर, वो चेतना आनंद की स्वरूप है, प्रेम की स्वरूप है। जब इस संसार में आना अपना होता है, तब वो आने के बाद जब खोज में लगती है, तो फिर पहले संसार में खोज, क्योंकि पता ही नहीं कि कहां पर ये प्रेम आनंद और शांति है। तो इस संसार में जब खोजती है, वहां प्रयास करने के बाद फिर निष्फल हो जाती है, क्योंकि उपनिषद अपने स्वर में कह रहे हैं कि तम आत्मस्तम अनुपस्यन्ति धीरा तेषां शाश्वतम एतरेषां। मतलब ये जो शांति के सागर है, जो प्रेम के सागर है, जो आनंद के सागर है, वो तो परमात्मा है, वो पर ब्रह्म अक्षरातीत है। वो परब्रह्म के चरणों में जाएंगे तभी प्रेम शांति और आनंद मिलेंगे। लेकिन संसार के जीव आज इस भौतिक सुख संपत्ति के अंदर, ये भौतिक जो यहाँ की विषय जो भी बने चीजें वस्तुएं, उसी के अंदर खोजना चाहते हैं। लेकिन आखिर थक हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं। हम अपूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, उसमें भी बोलते हैं कि आगे के त्रिगुण फांस के फंद परे धनी शो फंदा निर्वारे, वारी वारी जाओ में अपने पिता पर शोभा मुख से न आवे। और आगे इसी सृष्टि में त्रिगुण के फंदे में फंसे हुए जीव बिचारे निराकार के पार और तीन पार के भी पार क्या है, वो कैसे जान पाते? क्योंकि और हम आगे जाए कि ना कछु सुनिया कान देखिया नहीं और ना कछु सुनिया कान, क्योंकि इस संसार में पहले तो ये समझ लो, ये पहले चरण के जो साहेब किन देखिया नहीं, क्योंकि पर ब्रह्म अक्षरातीत का कभी भी इस संसार में अवतरण नहीं होता। अवतारों का अवतरण होता है यहाँ, महापुरुष पैगंबरों का अवतरण होता है, क्योंकि गीता भी कहती है एक स्वर में कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, जो आत्मा भी इस संसार में जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, कोई किसी गर्भ में नहीं जाती है, तो परमात्मा कैसे इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आए? परब्रह्म परमात्मा की शक्ति, उसका पावर, आवेश स्वरूप इस संसार में आया, तो कैसे इन नेत्रों से, जैसे संसार ने राम को देखा, ध्यान से, संसार ने विष्णु को देखा, संसार ने भगवान शिव को देखा, संसार ने कृष्ण को देखा, हनुमान को देखा, वैसे कई और महापुरुषों, मान लो के मीराबाई ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, ऐसे सुखदेव ले लो, सुरदास ले लो, ऐसे जो जो महापुरुष इस संसार में आए, दयानंद सरस्वती ले लो, भगवान बुद्ध ले लो, महावीर स्वामी ले लो, ऐसे कई तपस्वी और ऐसे महापुरुष आए, सबको देखा, क्योंकि ऐसे पंच महाभूत शरीर धारण करके आए, तो सबने देखा, उस ज्ञान को भी सुना। यहाँ क्या बताया? जो साहेब किन देखिया नहीं, ये परब्रह्म कभी भी नूरी स्वरूप से इस संसार में आए ही नहीं, और जो आने वाले थे वो तो अपना पावर आवेश शक्ति से आने वाले थे, और सबने क्या मान के रखा, जो आज अब तक साधना की बल पर पाने का जो प्रयास किया, तो सबने सोचा कि नहीं, जैसे राम कृष्ण जो भी अवतार आए उसी के हिसाब से परब्रह्म भी आएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र पढ़ के रखा था। तो बाद में बताया ना कछु सुनिया कान, तो इस चरण को हम ध्यान से समझे, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी, मैं एक प्रसंग आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम औरंगाबाद में पहुंचते हैं, ठीक है, जब हम औरंगाबाद में पहुंचते हैं, तब वहां जहान मोहम्मद आते नूर मोहम्मद के माध्यम से,
तब लालदासी और उत्तम दासी, ये खुदा ताला अल्लाह ताला, क्योंकि वो पठान था ने, तो खुदा ताला अल्लाह ताला का स्वरूप श्रृंगार का वस्त्र आभूषण का वर्णन कर दिया, जल्द कर दी थोड़ी। श्री जी ने बताया था कि थोड़ा धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास आ जाए। बाद में जैसे गांगजी भाई को कैसे देवचंद्र जी ने वर्णन सुनाया था, जब पूरा पात्र देखा ने, बाद में सुनाया पूरा वर्णन अक्षरातीत का, परम धाम का। लेकिन यहाँ थोड़ी उत्तम दासी और लाल, ये तो भाई राज्य का तो हुक्म था, जल्द कर दिया। दूसरे दिन जहान मोहम्मद नहीं आया चर्चा सुनने के लिए, उसको क्या बुरा लगा कि अरे खुदा ताला का वर्णन तो खुद खुदा आके करेंगे, ये लोग क्यों करे जो फकीरी वेश में आए उत्तम दासी लाल दासी। तो फिर दूसरे दिन चर्चा सुनने के लिए नहीं आया, और फिर उत्तम दासी लाल दासी श्री जी को पूछे के बोले हे धनी हम ऐसा करें, आज जहान मोहम्मद नहीं आए, बुला के लाए। तब राज जी ने क्या जवाब दिया श्री जी ने, नहीं उसने सुन लिया है, वो आएगे जरूर आएगे। तो कुरान के माध्यम से, कुरान के 15वें सिपारे में लिखा है कि खुद जो म्याराज वाली बात है कि खुद खुदा आएंगे और वर्णन करेंगे। और बाद में सुंदरसा जी ये बात हमने आगे और भी वितक के माध्यम से सुनी, जब कब मैं ये भी याद दिलाऊंगी, फतेह मोहम्मद जब चार पठानों को जगाने की बात हुई, यही तो है चौपाई कि जब जहान मोहम्मद, मिहिन खान, अवल खान और चौथा था फतेह मोहम्मद, तो तीन तो जगे, चौथे फतेह मोहम्मद को ईमान नहीं आया। और फतेह मोहम्मद को जब पूछा जहान मोहम्मद ने, और जब आगे चर्चा हुई तब पूछा क्या कुरान के अंदर खुदा ताला का वर्णन नहीं लिखा है, तब बोला हाँ लिखा तो है, लेकिन अब शरीयत इजाजत नहीं देती, शरीयत इजाजत नहीं देती, तो अब जाहिर नहीं होगे। तब फतेह मोहम्मद को पता तो चल गया, और पूछा भी तो बोले हाँ कुरान के 15वें सिपारे में वर्णन भी है, लेकिन अभी हम जाहिर नहीं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जब स्वतः जाहिर करेंगे तब हम सब पूरे मुस्लिम समाज ये स्वरूप का वर्णन। तो यहाँ बताया कि ना कुछ सुनिया कान, तो कैसे सुन पाए अभी तक। तो इस संसार में संसार का ऐसा हाल था, ऐसा हाल था। और आगे बताए सो साहेब इत आउसी, तो आज धर्म शास्त्रों में साक्षिया लिखी थी कि वेदो कहिया आउसी, वेदो कहिया आउसी, बुद्ध ईश्वर, ये वाणी की चौपाई, बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर, ये वाणी की चौपाई है। मैं धर्म शास्त्रों की आगे बताऊ बता रही हूँ, वेदो कहिया आउसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर, मेट कल जुग असुराई, मुक्ति देसी जगदीश। वेदो कहिया आउसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, ईश्वरों का ईश कौन, ये 33 करोड़ जो आज संसार में देवी देवताओं के नाम पर जो पूजा भक्ति हो रही है, उसके ऊपर कौन है, त्रिगुण, उसके ऊपर नारायण, और नारायण से ऊपर अक्षर, और अक्षर से भी परे कौन है, अक्षरातीत, ईश्वरों के ईश, सदाशिव के भी सुप्रीम कौन है, अक्षर, और अक्षर भी कई पल में, ये चौपाई जो पहली है ना उसका यही तो है कि तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, ना लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पलते पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। ये अक्षर भी अक्षरातीत के महल में जो इश्क और आनंद की लीला चल रही है, वो अक्षर भी अभी तक, जब तक, कब तक, ध्यान से सुनिए, कब तक वो जान नहीं पाए, ये कल मैंने थोड़ा कुछ तो स्पष्टीकरण आगे की चौपाई में और अगली जो चर्चा में कर दिया है। मैंने ये भी बोला था कि जहां से मैंने ये वर्णन आधा छोड़ा है, शायद राज्य की कृपा से दूसरी चर्चा में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ सुंदरसा जी ये भी मैं आज जोड़ दूं कि कल मैंने जो वर्णन सुनाया था, कल मतलब राज्य की कृपा से जो वर्णन हुआ था, और इसमें मैंने बताया कि पहली आरती ब्रज में बासा, सब सखियन में देख तमाचा, दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई, तब अक्षर की
इच्छा अभी रास में पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुई है, मतलब जो पूर्ण मार्फत की जो पहचान करनी थी, ध्यान से सुनिए, ये नहीं हुई है रास में भी, क्योंकि रास में वाणी थोड़ी उतरी थी। मैंने बताया था ब्रह्म सृष्टि आती ब्रज, रास में प्रेम तो लक्ष्य बिन, तो रास में भी कहां मनोरथ पूर्ण हुई अक्षर का। और फिर मैंने बात और एक जोड़ी थी, क्या कि जब जागनी ब्रह्मांड में आए तब अक्षर की आत्म भी आई है ना सद्गुरुदणी देवचंद्र जी के अंदर, फिर पांचवे दिन में महामती के दाम दिल में भी लीला कर रही है, तब जाके पता चला कब मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तारत में सब शुद्ध पड़ी घर अंदर की। तब जाके ये भी विक्रम सन 1735 के बाद जब ईसा पातशाही वर्ष 40 जब ये शुरू हुआ, जो 11वीं सदी का 10 साल और 12वीं सदी का प्रारंभिक 30, उसमें जो 40 साल में और अगला जो 10 साल है 35 से लेकर 45 तक, तब खिलवत परिक्रमा सागर और सिंगार और मार्फत की जो वाणी उतरी, तब जाके अक्षर को पता चला कि ये सुख था क्या, पांचवी भोम रंगपर वाली मंदिर या नौ भोम के अंदर का। और एक और चुपाई बताऊ प्रमाण वाली, जो किरंतन ग्रंथ में बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र 4000 वर्ष साल तक 4660 बीते या समय जग को भयो आचार। देखो जो रास में पूर्ण सुख लिया होता तो 4660 साल तक थोड़ी इंतजार करती अक्षर की बुद्धि। ये जागरी ब्रह्मांड में पता चला, यही जो चरण तो ये बता रहे हैं। और आउसी रे आउसी सब कोई कैसी आगमी करते पुकार, ये सत्वानी सबो की सत ठरी, तुम आए करो दीदार। वैसे तो कितनी चौपाई, आप बार बार चौपाई बोलने में भी मेरे को झिझक थोड़ी होती है। मैंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा मैं मतलब और भाव मेरा जी और गहराई में समझाए कि अभी तक इस संसार में मैंने बताया कि वेदों कहिया आउसी, तो क्या सृष्टि के प्रारंभ से नहीं आए थे तभी तो वेदों ने बोला कि अक्षराती तभी तक, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, तो बताया कि 28वें कलयुग में 27 बार सतबीत जाएगा, त्रेता द्रापर और कलयुग ये 28 बार बीत जाएगा, और 28वां सत त्रेता और द्रापर बीतने के बाद 28वां कलयुग, ये भी कब, तो 7वें मन्वंतर में 28वीं चौकड़ी में, ये भी हमने बीतक के माध्यम से सुन लिया। तब कौन आएगा, तो ये भविष्य पुराण में भी बता दिया कि ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तापर औरंगजेब भये, यही कलयुग के नाम तापर अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। तो ये जो स्वरूप आने वाले थे उसकी साक्षिया कहां कहां थी ये हम बाद में देखे, इससे पहले थोड़ी हम चर्चा के माध्यम से और आगे बढ़े। कैसे, क्यों नहीं जान पाए इस सृष्टि के अंदर, क्या हमसे ज्यादा तो साधना सुखदेव की थी, हमसे ज्यादा साधना तो सुरदास की थी, हमसे ज्यादा साधना तो कबीर की थी, हमसे ज्यादा साधना तो मीराबाई रसखान जायसी सबकी थी, अरे हमसे ज्यादा साधना तो अनंत गुणी कहूं ने तो भगवान बुद्ध की थी, तो भी केवल ही अवस्था प्राप्त की, दसवें द्वार में पहुंचे, इससे आगे 11वां द्वार परम गुहिया क्या है वो उसमें भी प्रवेश नहीं कर पाए, तो उससे आगे परम धाम की और कौन दिशा बता सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी के अक्षर वेदों का जो मूल प्रतिपाद विषय है, ध्यान से, वेदों का जो मूल प्रतिपाद विषय अक्षर ब्रह्म है। यद अक्षरम वेद विदो विदु, क्योंकि वहां तक वेदों ने भी
जब रुचाओ ने और उपनिषद ले लो, सब ले लो, वही उसके तो व्याख्यान ग्रंथ है वेदों के, तो सब योग माया ब्रह्मांड तक, बस वहां की जानकारी पा पाए, इससे आगे वो नहीं जान पाए। और इससे आगे लो चलो माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता, जिसमें शिव जी कई कई हजार साल की समाधि लगाई, 20-20 हजार, 5-5 हजार साल की समाधि, तो थोड़ा कुछ मूल मिलावे का वर्णन। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लक्ष्य का स्थान तो परब्रह्म या परम धाम रहा, लेकिन उपलब्धि सबलिक और केवल रही। शिव जी की उपलब्धि सबलिक और केवल रही, क्योंकि सबलिक को अक्षर मान लिया और केवल को अक्षरातीत मान लिया। उसके आगे सत स्वरूप क्या है और उसके आगे दिव्य परम धाम क्या है, हम एक चौपाई में बोल देते, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, कितनी सरलता से बोल दिया। ये इन महापुरुषों को, इन तपस्वी जनों को पूछो कि कितनी साधनाएं की, कितना कष्ट किए हैं, और आज इस संसार में परम धाम, प्रेम और परब्रह्म, ये तीनों चीज क्या क्या, परम धाम, प्रेम और परब्रह्म, ये सब संसार के जीवों के लिए त्रिगुणातीत और इंद्रियातीत रहा है, क्योंकि वो मन बुद्धि अंतस्करण से सर्वथा परे है। मैंने अभी बताया कि कई मनीषी जन आए इस संसार में, कई समाधि किसी ने साकार से पाने का प्रयास किया, किसी ने निराकार की पद्धति, चार पद्धतियां चलती संसार में, कोई कहते हैं परब्रह्म साकार है, कोई कहते हैं परब्रह्म निराकार है, कोई कहते हैं कि महापुरुषों के रूप में इस संसार में, संसार के जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, लेकिन इन तीन पद्धतियों से परे जो चौथी पद्धति है कि परब्रह्म तो शुद्ध निर्विकार प्रेम के स्वरूप और आनंद के स्वरूप है, वो तो नूरमय है, प्रकाशमय है, ये इंद्रियों से नहीं पाया जाता, ये तो मन बुद्धि से परे है। तो ये चौथी जो पद्धति है ये, लेकिन ये संसार को कैसे पता चले, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रेम शांति और आनंद की खोज में संसार भौतिक ये चीजों के अंदर, ये संसार की और वस्तुओं के अंदर खोजने का प्रयास किया, लेकिन प्रेम शांति और आनंद तो कठोपनिषद के अंदर कहा कि परब्रह्म के चरणों के अंदर है, तो कैसे पा पाए। तो ये अक्षरातीत धाम के धनी की जो साक्षिया लिखी गई थी, कहां कहां हम एक हरिवंश पुराण में देखे, ये वितक के माध्यम से तो हमने देख लिया, लेकिन यहां भी हम एक दो साक्षिया लेके, क्योंकि समय भी पूरा हो जाएगा। हरिवंश पुराण के माध्यम से देखे और आगे, वैसे तो बहुत से धर्म ग्रंथों में साक्षिया है। आज सुबह को हमने बच्चों, जो हमारे 5 प्यारे बच्चों ने किस गीता के 15वें पुरुषोत्तम योग, पूरा 20 चौपाई के अंदर श्लोक का उच्चारण करके, छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देख रही थी, सुन रही थी, तो इतना अंदर से आनंद, अंदर इतना उत्साह बढ़ रहा, अरे ये बच्चों के अंदर एक श्लोक का जो उच्चारण करने का, वो संधि विच्छेद का जो वो है, एक कैसे श्लोक को उच्चारण करे, ये देख के सच में, ये शायद मेरे अंदर सुंदरसा जी अभी नहीं बना, जो बच्चों ने आज सुबह को बोला, सब शोभा सबके अंदर नहीं होती राज जी, किसी किसी पर मेहर करते हैं, ये बच्चों हमारे जो सुबह बोले, क्या 15वें पुरुषोत्तम योग में और उसके अंदर जो श्लोक बताया 16वां 17वां नंबर का,
वैसे तो वो भी बताया, न तत्र भास्यते सूर्य न दहकते न पावक न शशाक न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। द्राविमो पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच्च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। क्या बताया इस श्लोक के माध्यम से, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदायते, कि संसार में दो पुरुष कौन कौन से, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर मतलब नाशवंत, जो 14 लोक अंतर्गत नारायण तक का जो ये जगत बना है ये एक दिन विनाश होने वाला है, और उससे परे जो कुटस्थ अविनाशी कहा गया है और कौन है वो अक्षर ब्रह्म है। लेकिन इस दोनों पुरुष से परे तीसरा पुरुष है वो कौन है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत। आज सुबह को हमारे विजय जी आचार्य जी ने बताया था कि कोई धर्म ग्रंथों में ऐसे एक साथ ये श्लोक में तीनों क्षर अक्षर और अक्षरातीत तीनों लोक की विवेचना, तीनों ब्रह्मांड की विवेचना ऐसे कई कोई जगह धर्मशास्त्रों में एक साथ दी नहीं है, तो उसी के अंदर बताया। और गीता के अंदर उत्तम पुरुष कह के ये वर्णन किया गया परमात्मा का। तो मैं आगे बताऊं कि आज संसार के जीव अक्षरातीत सचिदानंद परब्रह्म खुदा ताला अल्लाह ताला सुप्रीम गॉड ऐसे कुल्लू अल्लाह अहद एक नानक एको सुमरिए, और वेदों ने भी कहा के एकम द्वितीयम द्वितीयो नास्ति न त्वा अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, के ये परब्रह्म के समान और कोई दूसरा है ही नहीं, पहले भी नहीं था और कभी भी इसी के बराबर कोई नहीं होगा। ये वेदों ने भी कहा, उपनिषदों ने भी कहा और कुरान में भी कहा कि कुल्लु अल्लाह अहद ये खुदा ताला अल्लाह ताला एक है। वही गुरुवाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया कि नानक एको सुमरिए दूजे क्यों सुमरिए, जो जन्मना बार बार मरना और सर से पारा अक्षर अक्षर से पार अक्षरातीत आधारा वाही पुरुष को करो विचारा, ये गुरु नानक साहिब ने भी कहा। वैसे भागवत के पहले श्लोक में भी बताया कि सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे। तो ऐसे अनेक धर्म ग्रंथों में साक्षियां लिखी, और आगे लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती थी कि सुंदर साची सबने अभी तक जितना भी वर्णन हुआ और कहीं इस धर्म शास्त्रों में वर्णन है, ये सबने किसी ने अपने मन इंद्रियों पर खोजने का प्रयास किया जीव के धरातल पर, लेकिन सबका जो पाने की उपलब्धि का स्थान निराकार तक का रहा, और ऐसे शब्दों का सचिदानंद का परब्रह्म का अक्षरातीत का खुदा ताला का इमाम मेहंदी का ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो सिर्फ संकेत किया हुआ है। तो संकेत किए हुए धर्म ग्रंथों को पढ़ के तो हर कोई नाम बोल पाएंगे, लेकिन वो पूरा परम धाम कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, शोभा लीला कैसी है, ये अब तक कोई बता नहीं पाए। ये महामती के धाम दिल में पांचों शक्तियां शिवराज जी का जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन ये पांचों मिल भई महामत। तो ये पांचों शक्तियां विराजमान होकर अक्षरादित, पहले मैंने बताया ने कि कभी भी तन के माध्यम से इस संसार में नहीं आते, अपनी आवेश शक्ति के माध्यम से वो महामती के धाम दिल में। लेकिन ये बात मैं आधी छोड़ूंगी, 5 मिनट है, तब तक मैं आगे और जो कल वाली चर्चा को यहाँ जोड़ने जा रही हूँ। सुंदर साहब जी, ये पांचों शक्तियां जब महामती के धाम दिल में आई,
और पूरा परम धाम का आज हमने सुबह पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से भी चर्चा में मार्फत की और कल रात्रि को भी सुनी, जो हकीकत और मार्फत का वर्णन अब तक कोई नहीं कर पाए थे। और ये तो नहीं, हमारे समाज में भी प्रकाश और बहुत से बहुत किरणतन के आगे कोई चर्चा के माध्यम से ये सुख नहीं दे पाए थे। ये सुख आज जागनी ब्रह्मांड का है सुंदर साथ जी। और आज इसी मंच से आज कितना जो राजी धाम धनी अपने प्रेरणा के माध्यम से, हुक्म के माध्यम से ये सुख आज हम ब्रह्मात्माओं को दे रहे हैं धाम धनी। तो मैं आगे इस पांचों शक्तियां महामति के धाम दिल में आई और परम धाम और प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम ने दुनिया में नहीं इतलाई ब्रह्म सृष्टि। तो ये जो प्रेम क्या है और पर ब्रह्म कौन है और परम धाम कैसा है, ये पूर्ण वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से कर दिया। और हकीकत का मार्फत का द्वार अभी हमने सुना वो बच्ची के माध्यम से, दीदी के माध्यम से, कि अब हुक्मे द्वारा खोलिया जो और दिल आई कर बैठे मोमिन, मोमिन के दिल में धाम धनी अपना धाम बनाकर बैठ गए। तो ये जो अक्षरातीत ये साहिब किन देखिया नहीं, ये धाम धनी पूरा संसार उसके पीछे खोजने में लगा है। और वो अक्षरातीत हमारे पीछे दीवाना बना है, पूरा संसार उसके पीछे खोजने में कई युगों युगों से लगे हैं, लेकिन उसकी सुगंधि नहीं मिली, दिशा का संकेत नहीं मिला। वो अक्षरातीत हमको क्या कहते हैं, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम मेरा उम्मत में आराम, रे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। वो अक्षरातीत और ये अक्षरातीत का चार बार वाणी में भी वितक साहेब में भी पुकार कही गई, चार बार वितक में अक्षरातीत की पुकार की वितक साहेब में। और मैंने बताया था 226 बार श्री राज और 22 बार हक और चार बार अक्षरातीत। क्या तो जो पांच शक्ति महामति के धाम दिल में बैठकर, आसबाई के धाम दिल में बैठकर जो ये वर्णन किया, ये क्या ये वर्णन कोई गलत कर दिया क्या? जो कोई अभी तक नहीं पा पाए थे, और हमारे 5000 की जमात जब श्री जी के साथ जब पन्ना जी दरबार में पहुंची, बंगला जी दरबार में पहुंची और 10-10 साल 11-11 साल तक श्री जी का स्वरूप को, श्री जी के स्वरूप को अक्षरातीत धाम के धनी, तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही उतराए अरसे, तुम ही कियो मिला। और अक्षरातीत की पूर्ण स्वरूप में पहचान करके, जैसे परम धाम में तो 8 पोहर नहीं है, यहाँ के हिसाब से यहाँ के मसाले लेकर वर्णन किया है। तो परम धाम में जैसे हम 8 पोहर परिक्रमा ग्रंथ के 3 नंबर के प्रकरण में बताया है कि 8 पोहर कैसे हम धनी को रिझाती थी, वही वाला भाव, अष्ट पोहर वाला भाव, परम धाम वाला भाव बंगला जी दरबार में हम सब रूहों ने अक्षरातीत को प्राणनाथ के स्वरूप में पहचान कर कर रिझाया। क्या हो गलत है? आज हमारा समाज प्राणनाथ को संत, कवि, महापुरुष या देवचंद्र जी के शिष्य या छत्रसाल जी के गुरु, हम सुंदर साथ जी अक्षरातीत की गरिमा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कलंकित करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और आज कई भाई बोलते हैं कि देखो जब श्री जी आए तब तो 500 ही तो जगी, आज हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे विद्वान कितने लोगों को जगा रहे हैं। सुंदर साची ये क्या, मैं क्या कहूं उसी के बारे में, बहुत कुछ कह दिया है।
क्या इससे हमारी आत्मा की जागृति होगी? ये प्राणनाथ, ये अक्षराती, मैंने इसलिए आज वो वर्णन ज्यादा लिया क्योंकि वाणी के अंदर जो वर्णन दिया है ये तो, और वित्तक साहब के माध्यम से जो वर्णन अक्षराती की पहचान का दिया है ये तो आप सब जानते ही हो। और जो आज रास्ते में भी हमने लीला देखी, और पन्ना जी की अभी मैं बात कर रही थी, और रात्रि को भी जब सुंदर सार यही चर्चा चर्चा की अर्चा, और श्री जी सुनते सुनते थोड़ी देर जबकि ले लेते, फिर अरे तुमने आगे पीछे हरफ कह दिया, फिर फूल माला के लिए सुंदर साथ को मुरलीधर दास भाई को बुलाते तो सुंदर सा जी कैस किस भाव में रिझाया है अक्षरातीत को, तो कौन थे, क्या महाराज ठाकुर थे ये? तो आज जो पांचों दिन की लीला हुई, तो व्रज की लीला राज्य के आवेश और अक्षर की आत्म के साथ हुई, लेकिन सुंदर साजी ध्यान से सुनिए, तभी वाणी नहीं उतरी थी, पूरी नींद का ब्रह्मांड रहा, प्रेम की तो पहचान हुई लेकिन घर की शुद्ध नहीं हुई, नहीं धनी की पूर्ण पहचान हुई, और रास में आए तो धनी की तो हुई लेकिन घर की नहीं हुई। जागनी ब्रह्मांड में चौथे दिन में भी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के मुखारविंद से चर्चा तो सुनी, क्या बताया बाई जी ये घर चलते जाहिर कहे वचन, धाम दरवाजे इंद्रावती थाड़ी रुदन कर रही थी, और क्या क्या इनके हाथ जागन जागन, पांचवें दिन में महामती को ये शोभा मिलने वाली थी, तो आज चौथे दिन में भी सतगुरु धनी देवचंद्र जी आए। चर्चा तो व्रज राज धाम परम धाम की 25 पक्ष का वर्णन भी करते थे, लेकिन सुंदरसा जी उसी समय 313 आत्माएं भी जगी लेकिन वाणी नहीं उतरी थी, और इसमें भी मार्फत की जो वाणी है वो तो हरिद्वार के आगे मतलब रामनगर से आगे जब खिलवत की वाणी प्रारंभ हुई उसी के बाद ही सबको पहचान होने वाली थी, तो कैसे जान पाए? तो यहाँ पांचवें दिन में हमको क्या अवसर मिला है, आओ अवसर केम भूलिए, और संभारो साथ अवसर आयो छे हाथ जी। जो हम एक व्रज में से रास में जाते समय एक बांस की बांसुरी सुनते ही घर परिवार को छोड़ दिया, आज तो ये 18,758 चौपाई रूपी ज्ञान की बांसुरी 400 साल से बज रही है। सुंदर साजी हमारी आत्मा अभी क्यों इस अग्नि में, क्यों इस प्रेम की ओर आगे नहीं बढ़ रही है? और समाज में आज जो चितवनी की प्रक्रिया और वाणी की पूर्ण रूप से जो एक वाणी के कथन के हिसाब से जो जागनी का प्रचार होना चाहिए सही रूप में, आज सुंदर साथ जी नहीं हो पा रहा, ये दुख की बात है कि भागवत वाणी की जगह भागवत के पाठ पारायण और भंडारे में कितने पैसे, और स्वामी जी तो हर चर्चा में कहते हैं कि मंदिर सोने के सिंहासन कलश, तो सुंदरसा जी बहुत दुख की बात है, ये धनी आज जो संसार ने अभी तक इतनी साधना के बाद नहीं पाए थे वो धनी हमारे लिए आए, और इतना नहीं हमारे एक बताया के कई किताबें करी साथ कारण, वो भी गाय जगावन वो सुन के भी निदोड़िया, जिमी ताबा होसी तीन तीन, और अंतिम प्रकरण में भी बताया कि जिमी ताबा होसी तीन पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। तो इतना कहकर सुंदर साथ जी या वाणी को विराम देने जा रही हूँ, तो हम धाम धनी की वाणी के माध्यम से हम पूर्ण पहचान करें और ध्यान चितवनी में डूबे, और जो सुख लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ प्रत्यक्ष साक्षात पाने के लिए आए हैं, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, ये चरितार्थ करने के लिए आए हैं, तो हम यहाँ ये कार्य पूर्ण करके जाए कि तब जाके हम सिर ऊंचा कर सके, नहीं तो यही सुनना पड़ेगा कि धाम माहे धनी हम ऊंचू के जोसु पहुंच से पवाड़ा पर आता जार, इतना के करिया वाणी को विराम देंगे। बोले श्री प्राणनाथ।